नमस्कार दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे किसान की आत्मनिर्भरता की, किसान की आमदन कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो हमने पंजाब में जैसे आपको बताया था कि तीन मुहिम चला रखी हैं। जहर मुक्त पंजाब मुहिम, जिसमें किसानों को सिखाया जाता है कि कैसे कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना है, बिना कीटनाशकों के खेती करनी है, चाहे कोई भी फसल हो तो कीटनाशकों का खर्चा कम हो जाएगा। फिर हम किसानों को खाद, ग्रोथ प्रमोटर, फंगीसाइड, वो सारे कैसे घर में बनाने हैं, तो बाज़ार से कुछ नहीं लेने के आना है, खेती का बीज अपने तैयार करने हैं। उसके लिए हमने अपनी खेती अपने बीज मुहिम शुरू करी है। और तीसरी मुहिम जो है वो मेड इन पंजाब है, कि सब कुछ खुद हमें तैयार करना है किसानों ने, कि अपने प्रोडक्ट तैयार करने हैं, प्रोसेसिंग करनी है जिस भी लेवल पे किसान कर पाए। उसमें जैसे हमने चाय पे बात की थी कि चाय बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए उससे कैसे किसान जो है कमाई जो है बढ़ा सकता है, कैसे वीट एंड पैडी जो धान और गेहूं का साइकिल है, कणक और चावल का साइकिल है, उसको एक लेवल तक तोड़ सकता है। तो चाय के साथ सुबह काफ़ी लोग जो हैं बिस्किट खाना पसंद करते हैं या रस्क खाना पसंद करते हैं। तो बिस्कुट जो है उसमें ज़्यादातर सब लोग जानते हैं, जो बिस्कुट बनते हैं वो आटे के बनते हैं, और आटा जो है वो गेहूं का आटे से बनते हैं, और उसमें घी डलता है, प्लस उसमें मीठा डलता है या नमकीन डलेगा। तो मीठे में किसान आराम से जो है शक्कर गुड़ वगैरह डाल सकते हैं, तो कुछ किसान बनाते भी हैं। और ये आज का नहीं, बहुत सालों से सदियों से किसान जो है ऐसी चीज़ें बनाते आ रहे हैं। तो पहले ये चीज़ें लगभग हर घर में बनती थी, अपना ही होता था, प्रोग्राम होते थे, शादियां होती थी, तो उसमें सब जो है सामान घर में ही बनाया जाता है। हलवाई आते थे वो बनाते थे खुद खाने के लिए, त्योहारों पे एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, तो वो लोकली सब कुछ बनता था। तो धीरे धीरे पिछले करीबन 80-90 या 100 साल से आप मान सकते हो कि वो काम अब वहाँ से शुरू हो के बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो तैयार कर रही हैं। तो ये दो तीन कंपनियों के आप देख सकते हो कि ये बिस्कुट जैसे आपको दिखाए हैं। तो अगर जो लोग खा रहे हैं, जैसे लो हम मान लो बिस्कुट खाते हैं, बाकी लोग भी बिस्कुट खाते हैं, तो चाय के साथ पहली खाने वाली चीज़ जो है ये बिस्किट आती है। तो बिस्किट बनाने के लिए कोई बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्री, हाँ स्केल पर डिपेंड करता है कि आपका कितना बेचना चाहते हो, कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी लोकल मार्केट के हिसाब से शुरुआत आप कर सकते हो। तो हर शहर में कोई ना कोई ऐसी दुकान होती है, कोई एक्सपर्ट होते हैं जो ये सब बनाने में माहिर होते हैं। तो जैसे होशियारपुर में हमारे एक ऐसे बिस्कुट बनाने हैं जिसके बारे में सबको बताया, वो लोग अपना सामान वहाँ लेके जाते हैं और बिस्किट बना के घर में लेके आते हैं, कि वो अच्छी उनके हाथ में कलाकारी है। तो ऐसे ही बहुत जगह पे लोग होते हैं जो कुछ खास सामान है जिसमें उनकी महारत होती है। तो किसान जो है अपने गेहूं से, शक्कर से, और जो घर में पशु रखे हों घी से बिस्कुट बना सकते हैं। तो ये बिस्कुट प्योर ऑर्गेनिक भी बन सकते हैं, इसमें ऐसी कोई सामान नहीं डला है जो आप पंजाब में पैदा नहीं हो सकता। तो बिस्कुट एक बहुत बढ़िया प्रोसेसिंग का तरीका हो सकता है कि आप बनाएं, और बड़े आराम से ये बिक भी जाते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है काम, क्योंकि ये काम कोई ऐसा नहीं है कि किसानों को नए उसमें करना पड़ेगा कि बिल्कुल कोई नई चीज़ आ गई है, ऑलरेडी किसान कर रहे हैं। जैसे हमारे पास लुधियाना से परमजीत सिंह हैं, वो गेहूँ से भी आगे बढ़ के, जैसे आप देख सकते हो कि ये सुपर मिलेट्स लिखा हुआ है या ओट्स लिखा हुआ है, तो ये जो है
या रागी लिखा हुआ है, रागी और ज्वार लिखा हुआ है, तो सिर्फ गेहूँ नहीं, आप बाजरे के बिस्कुट, रागी के बिस्कुट, मतलब जो मिलेट्स हैं, ओट्स के बिस्कुट आप बना सकते हैं, तो सब कुछ मार्केट में मिल रहा है। तो ये सब जो है किसान खुद कर सकते हैं। जैसे परमजीत सिंह का मैंने बताया था लुधियाना से, तो वो रागी के बिस्कुट बना रहे हैं और भी मिलेट्स हैं उसके प्रोडक्ट बना रहे हैं, अलग अलग तरह के बिस्कुट उसमें अलग अलग फ्लेवर डाल रहे हैं। तो ऐसे ही गुरविंदर सिंह जी हैं बुढ़लाडा मानसा ज़िला से, वो खुद रागी उगाते भी हैं, कोदरा भी उगाते हैं, तो मिलेट्स उगा के उनके जो है वो बिस्किट तैयार करते हैं। तो गुरमुख सिंह जी हैं गुरदासपुर से, तो वो भी अपने प्रोडक्ट जो हैं वो मिलेट्स के आगे से तैयार करते हैं। तो बिस्कुट बनाने वाले बहुत से लोग हैं और कई सारी दुकानें भी खुल रही हैं, मंडियां भी चल रही हैं, तो बेचना भी उतना मुश्किल नहीं है। गांव की दुकान में अगर आप देखो, शहर की दुकानों में आप देखो, तो आपको बिस्कुट के ऐसे ऐसे पैकेट मिलेंगे जिसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं है। तो ब्रांड वाले बिस्कुट कम रहेंगे और जो बिना ब्रांड के बिस्कुट है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप पड़े हुए आपको मिलेंगे। तो आप खुद जो है दुकानों पे जाके देख सकते हो, मॉल में जाके देख सकते हो। तो बिस्कुट बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि शहर में कोई ना कोई ऐसा होता है, कोई बेकरियाँ होती हैं जो ऑन डिमांड ये सिस्टम बना देते हैं, तो कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे के, लेडीज़ को ट्रेनिंग दे के उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा सकता है। तो रॉ मटेरियल जो है वो फार्मर उनको प्रोवाइड कर सकता है, वो उससे बिस्कुट बना सकते हैं, तो किसान के लिए प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा और जो लेडीज़ हैं या जो नौजवान हैं जो ये काम कर रहे हैं उनको जो है इससे फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा काम जो है पटियाला में गुरमेल सिंह जी कर रहे हैं, तो वो लेबर से सामान तैयार करवाते हैं बेकरी का और फिर खुद वो सेल करते हैं, रॉ मटेरियल उनका होता है। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। इसकी एक और उदाहरण फैप्रो में, होशियारपुर में फैप्रो सोसाइटी है, जैसे वो एक प्रोडक्ट दो तीन बनाते हैं, वो लोकल हलवाई को मटेरियल अपना देते हैं, हलवाई उनको बना देता है, तो हलवाई को उसकी बनाने की कीमत मिल जाती है और फैप्रो को प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबने प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, तो ये एक सेकेंडरी लेवल की और टर्शरी लेवल पे भी जा सकता है। अगर इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं, इसमें बादाम ऐड किए सकते हैं, सौंफ ऐड की जा सकती है, अजवाइन ऐड की जा सकती है, तो अलग अलग तरह के फ्लेवर देने के लिए कई तरह के बिस्कुट जो है वो बनाए जा सकते हैं। अगर आप खुद बिस्कुट तैयार करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी, जैसे पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है वहाँ से ट्रेनिंग ली जा सकती है और लगातार वहाँ पे ऐसे काम चलते रहते हैं, केवी केज में ट्रेनिंग चलती रहती है, तो आप केवी के से बात कर सकते हैं ये ट्रेनिंग लेने के लिए। तो आप तो देख सकते हो कि जो चाय है, अभी हम चाय से आगे नहीं बढ़े हैं, तो चाय में ही कितने तरह के बिजनेस जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो बिस्किट के बाद जैसे रस, रस्क है, रस बनाते हैं, वो भी जो है वो आटे से ही बनता है, तो वो भी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो दुकानों में जाके, तो खूब बिकता है सामान। तो छोटे लेवल से शुरू करके धीरे धीरे आप भी ये काम कर सकते हो। तो इसमें आप एक तो कमाई होती है, दूसरा ये है कि बिस्कुट में ऐसे अलग अलग तरह के जो इनपुट्स हैं, ये सिर्फ गेहूँ नहीं, इसको और न्यूट्रिशन बनाने के लिए मिलेट्स वगैरह, ओट्स है, तो अभी जैसे नया सीज़न आने वाला है, अभी मिलेट्स की खेती का समय चल रहा है, तो मिलेट लगाए जा सकते हैं, आगे जो है गेहूं के साथ साथ ओट्स लगाए जा सकते हैं। ओट्स जवी है, इसके बारे में आपको अलग से बताएंगे, तो ज़्यादातर पशुओं के चारे के लिए लगते हैं, लेकिन ये खाई भी जाती है और इसके बिस्कुट और प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत छोटे स्केल पे शुरू किया जा सकता है। जिनके पास अपनी मंडी है, दुकान है, वो किसान आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, तो इतना पैरिश होने का, ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है। तो जो इच्छुक किसान हैं वो अपने यूनिवर्सिटी से, अपने डिपार्टमेंट से, केवीए से बात करके ये ट्रेनिंग लें, या शहर में जैसे बताया है कि कोई एक्सपर्ट है पहले से काम कर रहा है उनसे बात करके आप सामान आप खुद का दे दीजिए और तैयार कर देंगे, और सेल आपको खुद करना है,
ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।